हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली ग्रामीण डाक सेवक के 44,228 पदों पर बाकी बचे हुए राज्यों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फाइनली बचे हुए राज्यों के रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट और naukrikhabar.com के माध्यम से आप लोग अपने रिजल्ट को डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं। हालांकि कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, रिजल्ट कैसे देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, फाइनली दो राज्यों को छोड़ के बाकी सभी राज्यों के रिजल्ट आ चुके हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे। रिजल्ट आपके आ चुके हैं, आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप लोग आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं naukrikhabar.com पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया। इसके अलावा आप लोग गूगल पे टाइप करेंगे naukrikhabar.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। यहां पर आने के बाद इंडिया पोस्ट जेडीएस रिजल्ट 2024 पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके साथ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर कनेक्टेड हो जाना, ताकि आपको आगे भी अपडेट्स मिलती रहें। आपका रिजल्ट आ चुका है दो राज्यों को छोड़ के। देखिए, वही दो राज्य हैं जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। एक तो आपका हरियाणा है और एक जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर। दो राज्यों को छोड़ के बाकी सभी राज्यों के रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ पे एक ये हरियाणा आपको दिख रहा होगा और एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जहाँ पे लिंक एक्टिव नहीं है, बाकी सभी राज्यों के लिंक आ चुकी है। एग्जांपल के लिए मध्य प्रदेश का देखते हैं, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ का। जैसे आप लोग एक बार क्लिकर के बटन पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन या फिर पीडीएफ आपका डाउनलोडिंग में लग जाएगा और पीडीएफ रीडर की सहायता से आप लोग इसको ओपन कर पाएंगे। क्योंकि आपका रिजल्ट 3 दिन बाद आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के, इसीलिए आपको 3 दिन ज़्यादा समय दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जिनका रिजल्ट पहले आ गया था उनको 3 सितंबर तक का समय दिया गया है। आपका रिजल्ट आ जाया तो आपको 6 सितंबर तक का समय दिया गया है। GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल July 2024 मध्य प्रदेश सर्कल, यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट है। अभी आप लोग सभी हिंदी भाषी सर्कल्स के लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, आप लोग इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 100 के नीचे यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे जो है तो कोरोना में जो बच्चे पास हुए हैं वो सभी 100% वाले हैं, जिसके वजह से यहाँ पर कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया है। कल सुबह एक वीडियो अपलोड करेंगे कट ऑफ के ऊपर और उसके बाद सेकेंड लिस्ट के ऊपर, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा। क्योंकि इस हाई कट ऑफ के क्षेत्र में आपका नाम पहली लिस्ट में शायद ही आ पाए। ऐसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं टोटल 105 पेजों का पीडीएफ है। और इसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ का भी डाउनलोड करें, यहां पे हालांकि सभी राज्यों के रिजल्ट आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां भी आप लोग देख सकते हैं कि 100 के नीचे नॉर्मल कैटेगरी के अंदर बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कुछ ही PWD जैसे कैटेगरी है जहां पे 94-95 तक देखने को मिला, बाकी SC और ST के अंदर भी कुछ कम कैटेगरी वाले, सॉरी कम परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहां से आप जैसे नीचे आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का भी हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्लिकर की बटन पे क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश का भी पीडीएफ आपको डाउनलोड होकर यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमारा पीडीएफ डाउनलोडिंग में लग चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नाम यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कट ऑफ यहाँ पे टोटल 100 आउट ऑफ 100, यानी लोकल लैंग्वेज वाले क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी यहाँ पे कट ऑफ 100/100 बना हुआ है। ऐसे में किसी बच्चे का नॉर्मली नाम आ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इन 100 वालों का सफाया पहली लिस्ट में हो जाएगा, इनमें से बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी लिस्ट में भी 30,000 से ज्यादा बच्चों का नाम रहेगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और रिजल्ट को देखने के लिए naukrikhabar.com पे जरूर जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।